हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पोको क्लास। टुडेस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 4th ईवीएस सब्जेक्ट, है ना। चैप्टर नेम इज वेयर विल यू फाइंड देम, कौन कहाँ मिलेगा। दिस इज अवर एक्सरसाइज पार्ट वीडियो, और आपने अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टडी से द ओरल क्वेश्चन। नेम एनी टू एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स। दो एनिमल्स, दो जंतुओं के नाम बताना है जो कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ना। तो आपका आंसर हो जाएगा हनी और बैट्स। क्वेश्चन टू है, नेम एन एनिमल्स विच लिव्स ऑन आवर हेड। एक ऐसे जंतु का नाम बताना है जो आपके सर मुंडी में रहता है। आपका आंसर हो जाएगा लाइस इज लीव्स ऑन आवर हेड, मतलब जुआ, जुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज द फिश यूज फॉर ब्रीथिंग। मछली सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है, उसको आपको बताना है। तो कौन से अंग का उपयोग करती है, फिश यूज फॉर ब्रीथिंग विद देयर गिल्स। मछली जो है सांस लेने के लिए अपने गिल्स कलखड़ा का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डू द बटरफ्लाईज गेट देयर फूड। बटरफ्लाई अपना खाना किस प्रकार से खाती है, कैसे प्राप्त करती है, ना। तो आपका आंसर हो जाएगा द बटरफ्लाईज गेट देयर फूड बाई सकिंग, मतलब चूस कर अपना खाना ग्रहण करती है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, बताया पूछा जा रहा है, दो दो एग्जाम्पल बताना है आपको, है ना। फर्स्ट ए है, एनिमल्स दैट क्रॉल। एनिमल्स क्रॉल मतलब होता है रेंगना, जो अपने पेट मतलब लोड कर चलते हैं जमीन पे। तो आपका आंसर हो जाएगा स्नैक और स्नैक, सांप और घोंघसा। बी है, बर्ड्स विच लिव नियर आवर हाउसेस। ऐसे पक्षी जो कहाँ रहते हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो आपका आ जाएगा स्पैरो और क्रो। सी है, इंसेक्ट विच हावर ऑन फ्लावर्स। ऐसे कीड़े जो फूल के आसपास मंडराते रहते हैं। तो आपका जगह बी और बटरफ्लाइज। डी है, एनिमल्स विच लिव इन बुरोस। जो कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, जो जंतु बिल में रहते हैं, उसको बताना है स्नैक और रैट। ई है, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। जो इसमें रहते हैं जल में, फिश और शार्क। ये आपका कहाँ रहते हैं, जल में। दिस इज योर एक्सरसाइज पार्ट वीडियो। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिमेंबर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय किड्स।